तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल डेली जॉब अपडेट में आपका सबका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए स्पेशली वैकेंसीज लेकर है, जो कि कॉलेजेस हो, जो बड़े बड़े कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ऐसे अलग अलग कॉलेज में आपके लिए वैकेंसीज लेकर है। और वैसे यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लर्क के लिए है, प्यून के लिए है, ऐसे और टीचर्स के लिए वैकेंसीज है। तो आप देख सकते हैं नागपुर, चंद्रपुर, गोंदिया, ऐसे अलग अलग सिटीज़ के लिए आज वैकेंसीज है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए आज, और अभी तक के आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि हम डेली बेस पे आपके लिए अलग अलग वैकेंसीज के वीडियोस लेकर आते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, आपके व्हाट्सअप ग्रुप में, आपके फैमिली के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसका लाभ हर किसी को मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट वैकेंसी क्या है। यह वैकेंसी एनकेपी साल्व इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, जो कि नागपुर में आप देख सकते हैं दोस्तों, दिग्दो हिल हिंगना रोड नागपुर, यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है जो कि मेडिकल के रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दोस्तों प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, रीडर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर के लिए उन्होंने वैकेंसीज निकाली थी। पूरा डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड है, आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में अगर आपका एजुकेशन हुआ होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 15 सितंबर के पहले आपको यहाँ पे अप्लीकेशन करना है। तो इनका ईमेल आईडी दिया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, nkpsims1@readymail.com यह ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पर आपको रिज्यूम इन्हें फॉरवर्ड करना है। ठीक है दोस्तों, तो इनका ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पर आप जाकर पूरा डिटेल्स एक बार चेकआउट कर सकते हैं। वैकेंसी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख योग महाविद्यालय, जो कि चांदूर बाजार दिल्ला अमरावती, यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी निकाली, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे उन्होंने विभिन्न पदों के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली, आप देख सकते हैं। प्राचार्य के लिए एक जगह है, जिनका पदव्युत्तर 55% अगर आप उस तीनों और साथ में अगर PhD आप क्वालिफाइड होंगे और साथ में आपको 15 साल का अगर एक्सपीरियंस होगा कई विद्यापीठ का, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रह सकते हैं। देन उसके बाद ग्रंथपाल के लिए यानी लाइब्रेरियन के लिए उन्होंने एक जगह निकाली है, आप देख सकते हैं। आपका मास्टर इन लाइब्रेरियन में हुआ होगा और साथ में 55% आपको उसमें चाहिए। देन आप नेट सेट क्वालिफाइड होंगे तो आपको यहाँ पर एलिजिबल दिया जाएगा। देन उसके बाद शारीरिक शिक्षण के लिए एक जगह है, जिनका MPED हुआ होगा 55% के मार्क के साथ और साथ में नेट सेट क्वालिफाइड होंगे, तो आपको भी यहाँ पे प्राधान्य दिया जाएगा। देन सहायक प्राध्यापक यानी टीचर के लिए उन्हें वैकेंसी का आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे उन्होंने 6 पदों के लिए यहाँ पे यानी योग शास्त्र के लिए 4 और संस्कृत पढ़ाने के लिए 2 ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज उन्होंने डिवाइड किया है, जो कि जो वैकेंसीज है 6 उसको। तो अगर आपका रिलेटेड इसमें क्वालिफाइड एजुकेशन हुआ होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल रह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जो सैलरी है वो राज्य शासन मार्फत यानी दिए जाएंगे, आपको जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जितना आपका रहता है उतना आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो 10 सितंबर के पहले आपको यहाँ पर अप्लीकेशन भेजना है, यानी आपके अप्लीकेशन एक आपका बायोडाटा और जो डॉक्यूमेंट है वो जो दिए गए एड्रेस है, आप देख सकते हैं डॉक्टर पंजाबराव देशमुख योग महाविद्यालय उदय कॉलोनी चांदूर बाजार जिला अमरावती, पिन कोड है 444704। इस पते पर आपको इन्हें बाय पोस्ट यहाँ पे अप्लीकेशन सेंड करना है। ठीक है, और यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर भी दिया है, आप देख सकते हैं 9860802375, ये मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट भी इन्हें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि हम जो भी नोटिफिकेशन डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। देन उसके बाद अगर आप हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो प्लीज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में, जो आपके व्हाट्सअप में ग्रुप रहता है उसमें फॉरवर्ड करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह वैकेंसी विद्युत ई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इन्होंने निकाले है, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने वेरियस पदों के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाले है, और जो इनका एड्रेस है ये नागपुर, जो वंजारी नगर नियर वाटर टैंक अजनी नागपुर, यहाँ पर इनका बहुत बड़ा क्लासेस है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं,
इन्होंने टीचर फैकल्टी में वैकेंसी निकले हैं यानी ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है। आप देख सकते हैं जो 8th to 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनको जो उनका सिलेबस रहता है वो पढ़ाने के लिए इन्हें टीचर्स चाहिए। आप देख सकते हैं आपका मास्टर जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें आपका मास्टरिंग होना चाहिए और साथ में आपका गुड फ्लुएंट इंग्लिश होना और हिंदी और मराठी ये तीन ही सब्जेक्ट आपको आना चाहिए। देन असिस्टेंट टीचर के लिए यानी 8th to 12th स्टैंडर्ड पढ़ाने के लिए बच्चे चाहिए। आप देख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाना है आपको। यहाँ पे भी आप डिग्री एंड मास्टर डिग्री उन्होंने मांगा है और साथ में फ्लुएंट इंग्लिश मराठी और हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखते हैं 0 to 1 ईयर का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। देन मार्केटिंग एंड सेल्स इंटर्न के लिए उन्होंने जगह निकले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए और साथ में आपका जो एजुकेशन है वो MBA में होना चाहिए, ठीक है। देन ऑफिस कोऑर्डिनेटर के लिए जगह है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने एक्सपीरियंस कस्टमर सर्विस नॉलेज बेसिक ऑफिस मैनेजमेंट एंड MS ऑफिस का नॉलेज चाहिए। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पे 1 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। देन ऑफिस बॉय के लिए जगह है दोस्तों यहाँ पे मिनिमम 10+ वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपको 1 साल का मेंटेन द ऑफिस एंड मेंटेन का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड दोस्तों तो यहाँ पे तो उन्होंने ये यहाँ पे उन्होंने 1 से 3 सितंबर को यहाँ पे वॉकिंग डोर रखा है। आप देख सकते हैं 10 से 5 बजे तक इन्होंने वैकेंसी निकल इन वॉकिंग डोर रखा है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे इनका ईमेल आईडी दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं info@gmail.com यहाँ पे आपको ईमेल भेजना है। और यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर भी दिया है, आप देख सकते हैं 9903037165 और दूसरा नंबर है 9156869551, इस पर आप कांटेक्ट भी इन्हें कर सकते हैं। यह यशवंतराव चौहान आर्ट एंड साइंस कॉलेज जो कि मंगरूल पीर डिस्ट्रिक्ट वाशिम यहाँ पे निकला, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर्स के लिए वैकेंसी निकाल, देख सकते हैं इंग्लिश उर्दू केमिस्ट्री फिजिक्स बॉटनी जूलॉजी मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए इन्हें टीचर्स चाहिए। आप देख सकते पूरा डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो आपको 7 सितंबर को सुबह 11 बजे जो दिए गए एड्रेस है कॉलेज का वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना है। और यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर भी दिया है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूरा डिटेल्स इनसे ले सकते हैं। ये वैकेंसी SSNJ महाविद्यालय जो कि देवली डिस्ट्रिक्ट वर्धा के लिए वैकेंसी, आप देख सकते हैं ये भी स्कूल के लिए वैकेंसीज है। तो यहाँ पे इन्हें सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए टीचर्स के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली, आप देख सकते हैं इंग्लिश मराठी सोशियोलॉजी होम इकोनॉमिक्स के लिए 2-2 जगह निकली है। देन कॉमर्स फैकल्टी के लिए 6 जगह है। देन उसके बाद पॉलिटिकल साइंस और फैशन डिज़ाइनिंग के लिए 2-2 जगह यानी जो ये है 2 जगह वो नॉन ग्रैंड के लिए है और जो ऊपर की जगह है वो ग्रैंड फैकल्टी के लिए है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो इन्होंने 7 सितंबर को यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टाइम दिया हुआ है। अब जो ऊपर वाला है तो यहाँ पे 11 से 2 बजे तक के यहाँ पे जाना है और जो 2 सब्जेक्ट है नॉन ग्रैंड के तो वहाँ पे 11 से 2 बजे जाने, दोनों भी टाइम सेम है। आप जिस फैकल्टी के लिए यहाँ पे जाना चाहते हैं तो वहाँ आप दिए गए टाइम पे जा सकते हैं। तो आपको साथ में 2 आपके डॉक्यूमेंट और 2 फोटोकॉपी निकल कर यानी 2 बंच बना कर यानी जेरोक्स निकल कर आपको वह यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिए। वैकेंसी जिला परिषद उच्च महाविद्यालय जो कि मोहरी तालुका धानोरा जिला गढ़चिरौली यहाँ पर उन्होंने वैकेंसी निकाले थे। यहाँ पर भी टीचर्स के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाले, आप देख सकते हैं जिनका MSc फिजिक्स मैथमेटिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री और MA के लिए अंग्रेजी मराठी राज्यशास्त्र ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए इन्हें टीचर्स चाहिए। तो एक एक जगह सभी सब्जेक्ट लिए उन्होंने निकाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो 8 सितंबर को आपको 5 बजे तक जो दिए गए एड्रेस है इस पर आपको जो आपके डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे जो आपका अप्लीकेशन है बायोडाटा और जो डॉक्यूमेंट का जेरोक्स निकल कर आप बंच बनाकर जो दिए गए एड्रेस है तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। वैकेंसी खुशबूचंद बजाज सेंट्रल पब्लिक स्कूल जो कि जरीपटका नागपुर में, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे टीचर्स के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाले हैं यानी जिनका BA BEd हुआ होगा या BSc BEd हुआ होगा सोशो साइंस एंड बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों सोशल साइंस बायोलॉजी और केमिस्ट्री
ये तीन सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 8वीं 9वीं और 10वीं ये तीन क्लास के लिए पढ़ाने के लिए इन्होंने सब वैकेंसी निकाली है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो आपको आपका जो CV यानी रिज्यूम लेकर जो 2 सितंबर को यानी कल आपको सुबह 11 से 2 बजे यहाँ पे दिए गए जो एड्रेस है कॉलेज का, वो एड्रेस पर आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह वैकेंसी अवंती इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो कि अभय नगर धंतोली नागपुर, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने कंसल्टेंट फिजिशियन जिनका MD DNB मेडिकल में हुआ होगा तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी के लिए और रेडियोलॉजी और कार्डियो नर्स जिनका GNM हुआ होगा या BSc नर्सिंग हुआ और मिनिमम 2 साल का अगर OT में एक्सपीरियंस होगा तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन SICU नर्स के लिए वैकेंसी निकले, ऐसे आप देख सकते हैं पूरा क्राइटेरिया आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो आपको यहाँ पे जो इनका एड्रेस है इस एड्रेस पर आपको 11 से 4 बजे के टाइम में आपको यहाँ पे इन्हें HR डिपार्टमेंट जाकर मिलना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे ईमेल ID भी दिया हुआ आप देख सकते हैं hrd@avantihospital.com, यहाँ पे आप आपका रिज्यूम भी इन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं या डायरेक्ट इन्हें जाकर भी मिल सकते हैं। यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर भी दिया है तो एक बार आप कांटेक्ट करके पूरा डिटेल्स इनसे मांग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए निकले जो कि नागपुर सिटी के लिए वैकेंसीज है आप देख सकते हैं। श्री दत्ता मेघे पॉलिटेक्निक कैंपस वाना डोंगरी हिंगना रोड नागपुर, यहाँ पे इनका कॉलेज है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने वेरियस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए भी वैकेंसी है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तीन ही चार ही फील्ड के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट जो एनी सब्जेक्ट है यानी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने यानी प्रिंसिपल के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है एक जगह ओपन कैटेगरी के लिए। देन इलेक्ट्रोथेरापी एंड इलेक्ट्रो डायगोनिस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक एक जगह है आप देख सकते हैं, ओपन के लिए एक जगह है और OBC के लिए एक जगह है। देन उसके बाद काइनोथेरेपी एंड फिजिशियन डायग्नोसिस के लिए एसोसिएट के एक जगह है, असिस्टेंट प्रोफेसर के गया। तो पूरा डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है दोस्तों, आप एक बार दीजिए और जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 2 तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट आप अप्लीकेशन जाकर कैंपस में सबमिट कर सकते हैं या तो फिर ईमेल से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 13 सितंबर के पहले आपको यहाँ पे अप्लीकेशन करना है, जो दिए गए ईमेल आईडी इस पर अप्लीकेशन कर सकते हैं या तो डायरेक्ट जाकर कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए, प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, तो आप यहाँ पे पूरा स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे जाकर आपका अप्लीकेशन इन्हें दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बाड़ा साहेब काड़े महाविद्यालय जो लोतवाड़ा डिस्ट्रिक्ट दरियापुर जिला अमरावती, यहाँ पे वैकेंसी निकाला आप देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने अलग अलग पदों के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाले हैं। प्राचार्य के लिए एक जगह है जिनका MA BEd हुआ होगा या MEd हुआ होगा और साथ में नेट से क्वालिफाइड होंगे तो वो प्राचार्य के लिए अप्लाई करते हैं। प्राध्यापक के लिए 9 जगह उन्होंने निकाले हैं, बहुत बड़ा यहाँ पे वैकेंसीज है आप देख सकते हैं। संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, लोकशास्त्र, अन्य लोक प्रशासन और राज्यशास्त्र के लिए सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो पूरा क्राइटेरिया आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है और आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं जिनका MA BEd हुआ होगा या तो नेट से क्वालिफाइड होंगे तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। फिर प्राध्यापक के लिए एक जगह यानी साइंस फैकल्टी के लिए यानी MSc BEd चाहिए और साथ में नेट से क्वालिफाइड स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देन वरिष्ठ लिपिक के लिए जिनका BCom हुआ होगा साथ में MSc IT और टाइपिंग एंड टैली का नॉलेज होगा तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। देन कनिष्ठ लिपिक के लिए एक जगह यहाँ पे एनी ग्रेजुएट मांगा है और साथ में MSc IT और टाइपिंग का नॉलेज चाहिए। देन ग्रंथपालन यानी लाइब्रेरियन के लिए एक जगह है जिनका डिप्लोमा हुआ होगा लाइब्रेरियन में या तो मास्टर किया होगा लाइब्रेरियन में तो यहाँ पे एलिजिबल है दोस्तों। यहाँ पे सिपाही के लिए 2 जगह यानी पीयून के लिए तो सिपाही पद अनुभव असायला हुआ यानी अनुभव चाहिए। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो आपको दोस्तों 7 सितंबर को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए सुबह 11 से 4 बजे यहाँ पे जो इनका कैंपस का एड्रेस है तो यहाँ पे आपको जाना है। ठीक है दोस्तों, सेंट विसेंट पोलोटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी निकला आप देख सकते हैं जो गवासी मानापुर वर्धा रोड नागपुर, यहाँ पे कॉलेज है
तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं बीटेक फैकल्टी के लिए यानी एआई पढ़ाने के लिए एसोसिएट के लिए एक जगह निकले और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो दो जगह निकाली है। देन बीटेक फैकल्टी के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए एक जगह एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और दो जगह असिस्टेंट प्रोफेसर उन्होंने निकाले हैं। देन उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के लिए एक जगह है, देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए दो जगह है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये आपको ऑनलाइन तरीके से इन्हें सबमिट करना है आपका जो एप्लीकेशन है। तो इनका वेबसाइट दिया हुआ है दोस्तों, इस वेबसाइट पे जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है और साथ में आपको यहाँ पे ई पेमेंट करना है यानी 100 रुपीज़ का यहाँ पे उन्होंने डीडी मांगा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर दिया हुआ है, इस अकाउंट नंबर पे इन्हें पेमेंट करना है 100 रुपीज़ का। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट इनका तो दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो वेबसाइट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। वैकेंसी शासकीय तंत्र निकेतन ब्रह्मपुरी यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो कि ब्रह्मपुरी जिला चंद्रपुरी यहाँ पे है दोस्तों। तो यहाँ पे इन्होंने वेरियस पदों के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली, आप देख सकते हैं यहाँ पे तो उन्होंने जाहिरात निकाली है। तो अगर तो जो दिए गए ये है यानी वेबसाइट है उनका, इस वेबसाइट पर पूरा डिटेल्स इन्होंने दिया हुआ था। चलो हम चेक करते हैं, तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन इनके वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ से ये लिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने स्थापत्य अभियांत्रिक 10 पदे इन्होंने निकाले हैं। देन विद्युत अभियांत्रिक के लिए यानी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए 2 है, सिविल के लिए 10 है, खनिकम अभियांत्रिक के लिए 3 पद है, यंत्र अभियांत्रिक एंड मैकेनिकल के लिए 10 पद उन्होंने निकाले हैं। देन संगणक के लिए अभिव्यक्ति अंग्रेजी गणित और भौतिक शास्त्र के लिए 2-2 पद उन्होंने निकाले हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते 6 सितंबर, 7 और 8 ये 3 दिन इन्होंने वॉकिंग इंटरव्यू रखा हुआ है। तो दिए गए जो सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो वो डेट को आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको आपके डॉक्यूमेंट लेकर आपका जो लेटेस्ट रिज्यूम है वो लेकर आपको दिए गए एड्रेस पर जो इनका एड्रेस है वहाँ पे आपको लोग जाना है। वैकेंसी गोंदिया के निकले, आप देख सकते हैं दोस्तों MSSCS कोचिंग क्लासेज जो कि मामा चौक गोंदिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे उन्हें टीचर्स एंड ऑफिस वर्क के लिए 2 पोस्ट के लिए उन्हें जगह निकाली है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, तो जिनका BSc या MSc हुआ होगा दिए गए सब्जेक्ट में तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। देन हिस्ट्री के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है यानी जिनका BA या MA हुआ होगा हिस्ट्री में तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। तो ऑफिस वर्क के लिए यहाँ पे इन्होंने एनी ग्रेजुएट मांगा है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है दोस्तों तो यहाँ पे उन्हें 4 सितंबर को सुबह 11 से 1 बजे तक उन्होंने टीचर्स के लिए उन्होंने वॉकिंग इंटरव्यू रखा है। देन 11 सितंबर को जो ऑफिस वर्क है उनके लिए वैकेंसी रखा है। तो यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर दिया है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं दोस्तों अगर कुछ डाउट होंगे आपके मन में तो आप कॉन्टेक्ट करके इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अभी तक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूले, ताकि जो भी हम नोटिफिकेशन आपके लिए डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। ठीक है दोस्तों, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, फैमिली के साथ इसे शेयर करना ना भूले, ताकि इनका लाभ उनको भी मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।